नहीं, वो तो हमने पहले भी की थी। अच्छा, वो पिछले साल कमला मर गई थी, वो कैसे मरी वो बताओ। अरे वो तो दूसरे गांव में भी की थी। तो फिर हाँ याद आया, चलो फिर आज हम चमारों के यहाँ होके आते हैं। चलो 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 चलो। है सभी सिर पे बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने चारकुआ की छोकरी। घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। आ रही थी वो चली खोई हुई जज्बात में। क्या पता था उसको कि कोई भेड़िया है घात में। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई। छटपटाई पहले, फिर ढीली पड़ी, फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था, कब का ढल गया। कृष्णा कृष्णा। काका मंगल कृष्ण 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 और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में। होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। क्या हो सकता कोनी कहके हम काला करे और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। जानते हैं आप, मंगल एक ही मक्कार है, हर को उसके शहर पे थाने जाने को तैयार है। वो तो मंगल देखता था, बात आगे बढ़ गई, वरना वो दूर इनको कहने से रही। मंगल कौन है, वो कहाँ है अंकल, फिर क्या हुआ? फिर क्या निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर एक सिपाही ने लड़ाई लाती तो जोर था। भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। फिर वहां लतिशोध की आंधी चलने लगी और बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी भी जलने लगी। कहती है सरकार कि आपस में मिलजुल के रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। दंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया मारा जाएगा। बात का लहजा था ऐसा, ताव सबको आ गया, हाथ मूंछों पर गया और माहौल भी सन्ना गया। और फिर आए दरोगा जी। दरोगा जी ने कहा, ये समझते हैं ठाकुरों से उलझना खेल है, है? ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल ही है। मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो। मुर्गे की तरह मत बांधो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो।
बेचती है जिस्म, कितनी कृष्णा रोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए।